देखिए यहाँ पे अबू धाबी नाइट राइडर्स ने अपनी दूसरी जीत अपने नाम तो करी है, लेकिन ये जो लीग है ना, जब कोई खेल देखते हो और आप एक युवा खिलाड़ी को देखते हो भाई, उस बड़े मंच पे आता है, बड़े मंच पे बड़े खिलाड़ियों के आसपास ऐसे खेल के जाता है तो भाई दिल खुश हो जाता है। वेदर आप अबू धाबी नाइट राइडर्स के सपोर्टर हो या नहीं हो वो दूसरी बात है, लेकिन एक मंच पे एक खिलाड़ी अपना नाम बना के जा रहा है और वो देखिए कैसे नाम वहाँ पे बनाया। सबसे पहले यहाँ पे ऑफकोर्स डेजर्ट वाइपर्स ने बनाए 154 का यहाँ पे लक्ष्य था, लेकिन उस 155 के लक्ष्य को काफी आसानी से चेज किया यहाँ पे अबू धाबी नाइट राइडर्स ने 18वें ओवर में, और उसका बहुत बड़ा श्रेय जाता है यूएई के 21 वर्षीय 82 नाबाद पर आलीशान शरफू, जो हमारे साथ आज क्रिकेट सफारी पर है। आलीशान, सो गुड टू सी यू ऑन द शो एंड कंग्रेचुलेशंस वंस अगेन। लेकिन इससे पहले कि मैं हरभजन सिंह को इंट्रोड्यूस कराऊं यहाँ पे शो पर, मैं सर मैंने देख लिया जी 60 का यहाँ पे पारा उन्होंने पार कर लिया, तो मैंने कहा जी चलो जी रिसर्च करना शुरू करो। रिसर्च में जहाँ भी देखा उन्होंने कहा कि जी मैं 8 साल का था, 2011 विश्व कप मैंने देखा इंडिया की जीत, एंड फ्रॉम दैट इट इंस्पायर्ड मी टू पिक अप द बैट। हियर यू गो आलीशान, देयर यू गो, द बिग मैन इज देयर विद यू हिमसेल्फ। यू वांट टू से समथिंग टू हिम? आई मीन ऑब्वियसली ग्रोइंग अप यू नो मैंने इनको देखा और मैं छोटा सा था और यू नो दैट इंस्पायर्ड मी टू स्टार्ट प्लेइंग क्रिकेट। And obviously having supporting India all my life and you know seeing India win the World Cup in India, you know that was inspiring. आप उनको देख ही नहीं रहे, आप मेरे को देख रहे हो, मैं वो सामने खड़े हैं वहाँ पे। We need to see him now. You know he's doing so well. हाँ जी. Good to see you batting. So that was inspiring and you know my love for the game grew. Oh, that's so nice. ये इसीलिए तो हम गेम खेलते हैं ना कि कोई ना कोई इंस्पायर होके वो हमारी तरह बनना चाहे। जब मैंने क्रिकेट शुरू करी थी तो मैं चाहता था कि मैं कपिल पाजी की तरह बनूं। When I saw that cup in his hand and we were dreaming कि यार भगवान कभी एक दिन ऐसा आएगा कि मेरे हाथ में ये ट्रॉफी होगी, and I was lucky enough to hold that trophy, won that trophy for India, and we are so happy that we could inspire you to pick up a bat and you know pursue your career in this, and you're doing so well. I wish you all the very best. Thank and you. Well done. Thank you so much. Sky is the limit. That's all I can say. You're batting beautifully, and this is just a beginning. Thank you so Continue much. To do क्या what लगा you've आपको been आज बल्लेबाजी में? बहुत बढ़िया खेला भाई, बंदा मजा आ गया। और इसमें कोई ये नहीं था कि सामने शाहीन है या आमिर है या फिर शदाब है। He played freely. You know that's what is all about. Sports is just going there and exploring yourself. He took his time. 3 विकेट गिर गए थे 34 रन पे। You know 21 साल का लड़का वो showing that responsibility कि नहीं थोड़े समय पे खड़े रहना है, वो partnership लगाना important है। But whenever you know he took those chances, it came you know nicely. तो मैं वही कहता हूँ कि समय दीजिए। उसने समय बिताया, वो अपने आप को जो प्रेशर था वो सोक इन किया, एंड उसके बाद ही वाज ऑल ओवर द प्लेस यू नो, एंड ऑफ कोर्स वन ऑफ द टॉप इनिंग आई हैव सीन बाय एनी यूएई प्लेयर, यू नो दिस इज वेरी वेरी गुड। क्या ये कॉन्शियस एफर्ट था कि जब आप बल्लेबाजी करने आए, जैसे कि भजीना में बताया 3 विकेट गिर चुके थे वहाँ पे, कि जी थोड़ा स्लोली करेंगे, विकेट को थोड़ा समझेंगे, परखेंगे और फिर टेक ऑफ मारेंगे उसके बाद? ऑब्वियसली जब हम वापस गए थे तो हमारे बॉलर्स ने बताया था कि न्यू बॉल से थोड़ा सा हेल्प मिल रहा था, और उसके बाद वंस द बॉल गेट्स ओल्डर इट्स अ लॉट मोर इजियर टू कैश इन, और इन आवर इनिंग्स वी लॉस्ट अ कपल अर्ली विकेट, सो यू नो वुड बी स्टूपिड टू टेक चांसेस देयर, सो जस्ट वांटेड टू गेट माय सेल्फ इन एंड यू नो कैच अप लेटर ऑन, एंड ग्लैडली इट हैपेंड। कैच अप लेटर ऑन तो नहीं सर, आपने टेक ऑफ कर दिया लेटर ऑन। टेक ऑफ और सारे आमिर आया उसके सामने टेक ऑफ किया, फिर शाहीन आया उसके सामने, शदाब को तो गिना ही नहीं कि ये खेलने भी आया है, कि शदाब पे तो धावा ही बोल दिया। ये सारे पाकिस्तानियों पे धावा बोला ना। तो बड़े यहाँ पे आपने हवाई फायर वहाँ पे मारे हैं, कुछ कुछ यहाँ पे शॉट्स यहाँ पे। पिछले सीजन जब आप खेले एक मुकाबला आपको खेलने को मिला, इस सीजन यू नो क्योंकि सेकंड टाइम आप आ रहे हो, आप इस सिचुएशन को जी चुके हो, आप इस ड्रेसिंग रूम को जी चुके हो, फाइंडिंग योरसेल्फ मोर एट ईज इन अ सेंस? या ऑब्वियसली द टीम ट्रस्टेड मी अ लॉट, यू नो गिव मी 3 अपॉर्चुनिटीज एट द टॉप, डिडन्ट गेट अ स्कोर, बट यू नो हैविंग ट्रस्टेड एंड गिव मी द रिस्पांसिबिलिटी टू गो आउट देयर अगेन एट नंबर 3, एंड यू नो ग्रेटफुल टू देम एंड hopefully many more innings. ghar ki dekh rahe hain sab baith ke ji, family idhar baithi hai, family idhar baithi hai, bada din hai bhai unke liye sir. jab koi bhi bachcha acha khele aur unke maa baap unke bhai behan wahan baithe, it's a very very proud moment and we are very happy for him. You know ye hamare mool ke wahan ka khiladi hai, kerala ka hai, aur hum chahte hain ki ye khiladi apna naam roshan kare, yahan uae ki team mein khele, apne national team ko jitaye, और क्या चाहिए। देखिए गेम ग्रो होनी चाहिए और यूएई के लिए ये बड़ा अपॉर्चुनिटी है कि यहाँ लीग हो रही है
और ऐसे खिलाड़ी जो यहाँ पे रहते हैं जिनको ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिलती नहीं है, जी जी ये टूर्नामेंट उनको बड़ा खिलाड़ी बनाएगा। जब जब आप लोगों की वहाँ पे साझेदारी लग रही थी इमाद के साथ, और क्योंकि इमाद सारे पाकिस्तानी गेंदबाजों को अच्छा जानते हैं, क्या क्या वो आपको इनपुट दिए जा रहे थे कि एक्सपेक्ट दिस नाउ एक्सपेक्ट दिस? इमाद ने ऑब्वियसली हेल्प किया था, यू नो ही गेव मी अ कपल टिप्स दैट यू नो ये बॉलर ये करेगा, ये बॉलर ये करेगा। सो यू नो इट फेल्ट लाइक वी वर वन स्टेप अहेड ऑफ द गेम, बिकॉज 50% ऑफ द टाइम ही वाज टेलिंग अस यू नो व्हाट वाज गोइंग टू कम नेक्स्ट, एंड यू नो इट मेड बैटिंग अ लॉट मोर इजीियर। आप डू यू लाइक वाचिंग योरसेल्फ ऑन कैमरा? आदत पड़ी है अपने आप को कैमरा? आई लाइक वाचिंग मायसेल्फ बैक, वाचिंग मायसेल्फ बैक। मतलब ये आप कितनी बारी देखोगे आप? हाउ ऑफन डू यू गो बैक एंड वॉच द एंटायर थिंग और उसको देखते रहते हो बैट? इवन व्हेन आई डोंट डू वेल यू नो आई ट्राई टू पिक अप स्मॉल थिंग्स, यू नो यू कैन ऑलवेज रिफ्लेक्ट बैक एंड यू नो सी द मिस्टेक्स यू आर डूइंग। टुनाइट आई हैव प्रोबब्ली वॉच इट अ मिलियन टाइम्स। रिपीट पे लगा दो जी आपको फिर से। आपने कहा हमने फिर से दिखा दिया। सर 21 साल के हैं, हाँ आपको याद आ रही है अपनी? हरभजन सिंह 21 ईयर ओल्ड। मैं 17 साल का था जब मैं इंडिया के लिए खेल गया था, तो मैं 21 साल में तो एस्टेब्लिश कर गया था। 20 साल में वो सीरीज खेली जो भारत और ऑस्ट्रेलिया की सीरीज, जिसमें 32 विकेट लिए। जी जी। तो वहाँ से मेरा नाम बहुत बन गया था। देन हाँ मुझे याद है 21 साल में मैं ठीक ठाक नामी बंदा था और पहचान बना चुका था, और मैं उम्मीद करता हूँ अगले आने वाले साल तक ये भाई भी पहचान अपनी बनाए पूरे वर्ल्ड क्रिकेट में, क्योंकि जितना टैलेंट है आपको कोई रोक सकता है तो सिर्फ आप। मेहनत नहीं करनी छोड़नी है, मेहनत यहाँ से डबल होनी चाहिए। देखो फिर एबी डिविलियर की तरह नाम चमकेगा, विराट कोहली की तरह नाम चमकेगा। क्या बात है जी, बिग वर्ड्स कमिंग इन फ्रॉम द बिग मैन। आखिरी सवाल आपके लिए टीम टीम को लेकर और माहौल को लेकर, क्योंकि अक्सर हम क्या बात करते हैं ऐसी जो लीग्स चल रही होती है मैचेस आर कमिंग थिक एंड फास्ट, अगर आप हार का सिलसिला चलते रहता है तो फिर वापस आना बहुत मुश्किल होता है। अब दो हार के बाद आप लोग वापस आ गए हो, माहौल कैसा है ड्रेसिंग रूम में, और ये जो इससे पहले जो दो मुकाबले थे बातचीत क्या हो रही थी वहाँ पे आप? You know, again, as I said, you know, the franchise has been great. Even when we lost, you know, it was a good environment, and you know, we try to pick up the small things that we did well, and obviously reflect back on the not so good things that we did. But again, you know, it was a great comeback from our bowlers. You know, having conceded, you know, a lot of runs last game, so credit to them for the way they bowled in the first innings, and glad our batting worked out as well. जाने से पहले, क्योंकि आपने कहा था 2011 World Cup ने आपको inspire किया है, beyond the trophy moment. आपका फेवरेट मोमेंट क्या है 2011 विश्व कप का? स्पॉट पर थोड़ा डाल रहा हूँ, थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा आपको। I don't know, obviously the last memory was that six, but I think the semi-final against Australia was a good game, and you know, I enjoyed watching that. That was quarter-final. Quarter-final. Semi-final against Pakistan, but yeah, quarter-final, that was a good game. And once that happened, you know, I just hoped that we lifted the trophy. Sir, it's crazy. मैं मतलब आप लोग वहाँ बीच पे आप खेल रहे हो, पर आपको नहीं पता आप कितने लोगों को छू रहे हो, कहाँ किसको आप इंस्पायर कर रहे हो। बिल्कुल, नो आइडिया। आई एम सो ग्रेटफुल दैट आई प्लेड दिस गेम, एंड यू नो गॉड हैव चूजन अस टू बी दोज रोल मॉडल फॉर मेनी अदर्स हु कैन पिक अप अ बैट और अ बॉल टू स्टार्ट प्लेइंग दिस गेम। यू नो आई फील कि इतने लोगों का प्यार मिलना बहुत भाई लकी बंदा होता है जिसको इतने बंदों का प्यार मिलता है। हम पड़ोसियों को भी नहीं जानते हैं कौन मेरे घर के बाजू में रहता है, पर जब मैं मैदान में खेलता हूँ हर भारतवासी मेरे लिए दुआ करता है, और ये कितने लोगों के लिए होता है ना। ये 11 लोग जो भारत के लिए खेलते हैं या ये अपने देश के लिए जब यहाँ के लिए खेलेगा, कितने लोग इनके लिए दुआ करेंगे। ये मतलब एक सौभाग्य है, ये एक ऊपर वाले की देन है। तो आई कांट थैंक इनफ टू दिस ब्यूटीफुल गेम हु मेड मी हु आई एम, एंड पीपल लाइक हिम हु गॉट इंस्पायर्ड एंड ट्राइंग टू मेक अ करियर इन क्रिकेट एंड बिकम ए नेम लाइक विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर और युवराज सिंह। आई विश यू नथिंग बट द बेस्ट। आई होप यू रीच वे यू वॉन्ट टू रीच। ब्रिलियंट चैट, दिस इज लवली टू सी भाई। ये ना स्पोर्ट्स की खास बात है कि मतलब वहाँ पे एक लेजेंड है और यहाँ पे एक लड़का शुरू हो रहा है, बट द लेजेंड ओनली वॉन्ट्स हिम टू सक्सीड, और ये स्पोर्ट्समैन की खास बात होती है, ये हर फील्ड में अक्सर दिखता नहीं। शरफू थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन द शो भाई, आने वाले टूर्नामेंट के लिए भी ऑल द वेरी बेस्ट। हम ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले मैं तो ऐसे जा रहा था, अब कहीं और चले गए, राइट चले गए, लेफ्ट दिखाया राइट चले गए। पॉइंट टेबल पर नजर डालिए जी, पॉइंट टेबल पर नाइट राइडर्स आगे तीसरी पायदान पर भाई, चार मुकाबले अब खेल चुके हैं और दो जीत उनके हाथ लग चुकी है, चार अंक आ चुके हैं, much needed two points for Abu Dhabi Knight Riders, क्योंकि शरफू ने तो बल्लेबाजी तो करी, अच्छी बल्लेबाजी करी, लेकिन उसके बाद आए रसल साहब वो एक घातक तरीके से जो रसल साहब बल्लेबाजी करते हैं, और उसके बारे में बातचीत करेंगे, क्योंकि पारी थी वहाँ पे, शरफू ने ऑफकोर्स बड़ी पारी खेली, 82 पर नाबाद रहे 2020 क्रिकेट में, लेकिन रसल साहब ने कहीं ना कहीं वो फिनिशिंग टच हमें दिखाया यहाँ पे। आंद्रे रसल सच एन इंटेग्रल पार्ट आप जब बोले ना अबू धाबी नाइट राइडर्स के, और हमारे साथ विवेक राजदान जुड़ गए हैं। सर इनका तो यही अंदाज है, आते हैं पकड़ते हैं मारते हैं।
लेकिन ज़रूरी है कि ये चलने चाहिए, क्योंकि अगर आबू धाबी नाइट राइडर्स को आगे बढ़ के जाना है, क्वालिफाई करना है या ये खिताब जीतने की कहीं भी उन्होंने उम्मीद अगर जगानी है, तो ये एक ऐसा खिलाड़ी है जिसका अच्छा प्रदर्शन करना, इस तरह की फॉर्म में होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस दिन इनका दिन होता है ना, ये कोई भी सामने गेंदबाजी हो, कोई भी टीम हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एंड्रयू रसेल अपने बलबूते पे अपने आप मैच जिता देते हैं। और अजय भाई, आज तो गेंदबाजी भी हुई है, मैं क्या अच्छी। और सबसे बड़ी बात अर्जुन, जो अंतिम ओवर्स में, जो चार ओवर में गेंदबाजी करी है ना इन्होंने और अली खान ने, मतलब देख के बड़ा अच्छा लगा। यॉर्कर्स कहते हैं ना, बिल्कुल सही जगह पे गिरना और कैसे वो यॉर्कर्स डाल रहे थे, और जो सोच थी, क्योंकि चार ओवर में वो खेल बदल गया। ये जो स्कोर था 170-175 हो सकता था अगर वो रन निकल जाते, पर वो चार ओवर जो डाले हैं, और रसेल का जैसे आपने कहा, उन्होंने मसल तो बल्ले के साथ दिखाते ही हैं, पर आज गेंदबाजी का जो जलवे दिखाए हैं वो देख के बड़ा अच्छा लगा। सर, इज लुकिंग फिट, लय में लग रहे हैं ना, वो आपको दिख जाता है कि एक खिलाड़ी जब लय में होता है, व्हेन ही इज जस्ट एंजॉयिंग द ओकेजन, बॉडी सपोर्ट कर रही है, जब बॉडी सपोर्ट कर रही है तो फिर तो ऑफकोर्स इतना खेले हैं तो फिर तो सब चल ही रहा है उनके लिए। बॉडी का ही तो सपोर्ट चाहिए होता है, और बॉडी का सपोर्ट कैसे मिलता है, जब आप मानसिक तौर पे मजबूत हो जाते हैं तो अपने आप बॉडी भी चलने लगती है। और आपने जो भी एक शब्द का इस्तेमाल किया अर्जुन, एंजॉयमेंट, जब तक वो फैक्टर नहीं आएगा, आप कोई भी जिंदगी में काम कर लें, आप उसमें सफलता प्राप्त नहीं कर पाएंगे। जब तक आप जो काम कर रहे हैं उसको आप इंजॉय नहीं कर रहे हैं, तो सफलता आपको कैसे मिलेगी। बिल्कुल सर, वैसे वो रसेल साहब की बॉडी की बात हो रही है, हमारी, हम जिम जाते हैं, हमारी बॉडी त्याग देती है, दो दिन तक रिटायरमेंट ले लेती है, फिर आती है वापस दो दिन। हम दोनों की बॉडी देखें, हम स्कूल एक ही है पर शरीर बिल्कुल शरीर। बोलता है, बताता है, बताता है सर। वैसे बताया तो हमें रसेल साहब ने भी है, हमने रसेल साहब से खास बातचीत करी ऑन द ग्राम, और भाई वो कह रहे हैं कि जो मैं हूं ना, मैं अलग हूं और सबसे अलग बन के रहूंगा। You know the difference between you and greatness? Comfort zone. Get out of it. I will train so hard that those around me think I'm insane. I will push myself beyond my limits every day and refuse to let any obstacle stand in my way. I will work harder than everyone else through my relentless pursuit of perfection and strength. I will become unstoppable. And those who thought I was crazy will soon come to respect me. I will not rest until I have conquered everything in my path. When I choose this, the part that hits me the most, and that's the part where the guy was saying, you know, I would train so hard that they think I'm insane. I remember I used to bowl at one stumps, you know, to bowl at one stump and trying to hit that stump repeatedly. And obviously, I didn't have a keeper, and just bowling, missing, and then you have to walk to the other end of the field to retrieve the ball, come back, do the same thing. You know, a lot of guys, you know, in my community, they used to say that I'm crazy because they have never seen that before. Sometimes I'm home, I don't do anything all morning, all day, and I just feel guilty. So I go to the gym at whatever time in the night, and that's how I normally feel good about myself going into the following day. I work out sometime, when I finish, my body is shaking, and I like that feeling. I would definitely feel better knowing that I feel tired and I'm lying on the floor for a good 10-15 minutes. इसे कहते हैं चैंपियन माइंडसेट। अगर आपको ना कुछ अलग करना है दोस्त, तो थोड़ी पागलपंती जरूरी है। विवेक भाई हैं यहाँ पे, आप कुछ कहना चाहते थे? नहीं, पागलपंती के बारे में मैं कहना चाह रहा था, क्योंकि सर फिरे जो होते हैं ना, वो इतिहास रचते हैं। क्योंकि आम इंसान जो है तो वो तो सिर्फ इतिहास के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन जो रचते हैं वो सरफरे ही होते हैं। और जैसे अभी आपने देखा, और जैसे अपने आपने बात की, ये जो अब जुनून इनमें चढ़ा है जी, तो ये जुनून कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रंग तो जरूर लाएगा। तो मतलब सर आप कह रहे हो, अगर मेरे को कुछ अलग करना है तो मैं किसी की बात ना सुनूं? किसी की ना, वो कह रहे हैं ब्रेक पे जाओ, मैं कह रहा हूं शो कंटिन्यू। ये बात सुननी आपके लिए बहुत जरूरी है, ज्यादा जरूरी है। हम ले रहे हैं जी छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के उस पार मोहम्मद आमिर के बारे में करेंगे खास बातचीत।
देखिए जब भी मैं डीपी वर्ल्ड आईएल टी20 के शोज कर रहा होता ना ग्राउंड पे, तो वहां से मेरी बहुत लोग मेरा नाम ले रहे होते हैं, कह रहे अर्जुन अर्जुन कम हियर। तो मैंने सोचा देखो जी हार्ट बीट जो है डीपी वर्ल्ड आईएल टी20 की वो है फैंस, फैन पार्क में ये लोग सब मेरे को बुला रहे हैं और मैं इनके लिए आया हूं यहां पे। आई एम हियर फ्रेंड्स, मैं तेरे को दिखाता हूं हुआ है आप बैटिंग का बात, कम ऑन लेट्स गो, कम ऑन। देखिए IL T20 की जो जान है वो तो फैंस है, there's no doubt about it, पर ना अपनी दाल यहाँ गलनी रही, तो आई एम गोना डू व्हाट एनी रिस्पेक्टेबल स्पोर्ट्समैन डज, जब उसकी विकेट ली जाती है मैं स्टंप्स लेके जा रहा हूँ, मैं वापस बैक टू पवेलियन। क्या बात है जी, बच्चे ना सर मासूम लगते हैं पर जब मारने पे आते हैं ना। मैं तो एक चीज इसमें ये देख रहा हूँ कि आपका बचपना कब जाएगा। नहीं जाएगा, जाना भी नहीं चाहिए, नॉट गोइंग, नहीं जाना चाहिए, बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। और जब तक आपके अंदर ये बचपना जीवित है ना जी सर, तब तक आप बाकी सबसे अलग नजर आएंगे। अपने अंदर का ये बचपना जो है हमेशा जीवित रखिएगा। और कहते हैं ना हर व्यक्ति में वो बच्चा होना बड़ा जरूरी है, वो तभी वो बेस्ट निकलता है आपका। और वो जो आपने स्ट्रेटर भी की थी ना जो पहली जो वॉक करके खेले आप, मजा आ गया। क्या अबू धाबी नाइट राइडर्स बुला रहे हैं मेरे को? नहीं, शराफों के साथ शनिवार का दिन जरूर था, दिन का मैच था और उसके बावजूद कम से कम 8-10 हजार आदमी यहाँ आया हुआ था, 8 हजार तो कम से कम थे और ये अपने आप में बहुत बड़ी एक संख्या है। क्योंकि ये ना भूले कि आबू धाबी का ये जो मैदान है ये शहर के बीच में नहीं है, ये शहर के बाहर है। उसके बावजूद जागरूकता जो बढ़ रही है और खासतौर पे डीपी वर्ल्ड IL T20 की जागरूकता उसके 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 लिए, और जो जो खिलाड़ी आप लेकर आए हैं और जो जो खिलाड़ी मैदान पे नजर आ रहे हैं, इसी वजह से खिलाड़ी तो हमेशा से चुंबक रहा है। जहां भी बड़ा खिलाड़ी पहुंचता है वो अपनी तरफ तो आकर्षित कर ही लेता है लोगों को, टैलेंट अट्रैक्ट्स ना सर। ये तो बात तो है, बट कॉलिन मनरो की अगर बात करें अजय भाई, ये एक ऐसा फॉर्मेट है कप्तानी, जिस किस्म के आप कप्तानी करें, बॉलिंग चेंजेस करें, बहुत ज्यादा जरूरी है। आज कप्तानी कैसे लगी? बल्लेबाजी ठीक लगी, लेकिन ओवरऑल अगर आप कप्तानी की बात करें, देखिए मुझे लगा शायद इतने रन बना नहीं पाए क्योंकि जब ये आउट हुए उसके बाद मध्यक्रम का दिखना या चल नहीं पाया। आपने रन की बात की, मुझे लगता है बहुत बढ़िया बल्लेबाजी करी, पर कहते हैं ना कप्तान भी वैसे ही है क्योंकि जैसे आपकी गेंदबाजी रहती है। आज मुझे लगता है कि बाद में आके खासकर ज्यादा बेहतर गेंदबाजी उनकी हो सकती थी। शुरू में शाहिनशाह अफरीदी ने बहुत बढ़िया गेंदबाजी की, आमिर ने अच्छी की, असरंगा का मुझे लगा जो स्पेल था अर्जुन देखे बहुत बढ़िया नजर आया क्योंकि जिस लय में वो गेंदबाजी कर रहे थे, जो कंट्रोल था, जो विविधता दिखा रहे थे, उनमें वो दमखम नजर आता है। पर फिर वही है कि हम बात करते ना 20-25 रन और हो जाते कि सतह आज बहुत बढ़िया नजर आ रही थी। मैं पहले भी सतह को जब मैंने देखा मुझे लगा कि अगर आप जब जिस मैच में नाइट राइडर्स 95 रन पे ऑल आउट हुई थी उसमें जो घास की परत थी वो ज्यादा नजर आ रही थी। आज थोड़ी सी सूखी हुई घास पैर का मुकाबला था, पर मुझे ऐसा लगा कि आज डेजर्ट वाइपर्स कहीं ना कहीं 20-25 रन और उनको बनाने चाहिए थे। इन पर्टिकुलर अगर आप हसरंगा की बात करें, आई एम जस्ट सेइंग कि आई नो आप 20-25 रन की ज्यादा बात करो, लेकिन जिस किस्म का बॉलिंग अटैक यहां पे है, ऐसे किस्म के अगर गेंदबाज हैं, समटाइम्स आल्सो यू कैन अफोर्ड टू गो अ लिटिल बिलो पार, कि जो हमारे पास गेंदबाज हैं कोई प्रॉब्लम नहीं इन दैट सेंस। लेकिन एक अकेले से काम नहीं बनेगा ना अर्जुन, क्योंकि जब आप बिलो पार की बात करते हैं तो वो 10-15 रन बिलो पार तो समझ में आ जाता है, लेकिन 180-185 बनने वाली विकेट पे अगर आप 150-155 ही बनाएंगे तो हसरंगा के देखिए चार ओवर कोई भी समझदार बल्लेबाजी होगी ना वो इनके चार ओवर सबसे पहले इक्वेशन से बाहर निकाल देंगे। और बीच में आपने अगर देखा जो शरफू और इमाद के बीच की साझेदारी जब हुई थी उस वक्त आप देखें रफ्तार उन्होंने बिल्कुल नहीं पकड़ी थी क्योंकि उस वक्त हसरंगा एक तरफ से गेंदबाजी कर रहे थे। तो चतुराई है, यही फर्क है 150 और 180 के टारगेट में। जहां आपके पास 150 का टारगेट होता है ना, आप एक अगर कोई ऐसा गेंदबाज है आप समझदारी दिखा सकते हैं। और आगे चलते हुए डेजर्ट वाइपर्स के लिए जो मुझे लगा कि आप कहीं ना कहीं कोई गेंदबाज शॉर्ट है। देखिए शादाब जब मुश्किल आती है तब गेंदबाजी अच्छी नहीं करते, टिमाल मिल्स पे आप पूरा भरोसा नहीं दिखा सकते, तो बाहर ल्यूक वुड बैठे हुए हैं उनकी तरफ क्यों नहीं जाते हैं आप? अगर 200 रन पे ये टीम आपको मैच जिताएगी तो क्या फायदा हुआ? आप क्या कहते हैं कि मेरी गेंदबाजी ताकत है? ताकत तो तभी है ना जब आप किसी दिन बिलो पार स्कोर करें और फिर आपकी टीम जो है गेंदबाजी आपकी मैच जिता के दिखाए। ट्रू सर, लेकिन यहाँ पे उनमें से एक गेंदबाज है मोहम्मद आमिर, ओपनिंग स्पेल में अच्छी गेंदबाजी करी और उनसे हमने खास बातचीत करी ऑन द आर्ट ऑफ एग्जीक्यूटिंग यॉर्कर्स।
हेलो जी, मैं हूँ मोहम्मद आमिर और मैं IL T20 में सीजन 2 में डेजर्ट वाइपर्स के लिए लेके आ रहा हूँ यॉर्कर्स। मेरा मेन फोकस ये होता है कि जितना इसको मैं लेट रिलीज करूँ, यहाँ से आगे से जितना फ्लैट तरीके से रिलीज करूँ, उतना अच्छा यॉर्कर एग्जीक्यूट होगा। कुछ बॉलर्स देखते हैं विकेट्स की बेल्स, लेकिन मैं बैट्समैन के फीट और जो विकेट की जो नीचे बेस होती है, मैं उसको टारगेट कर रहा होता हूँ जो, और भागते हुए वो चीज़ मेरे नज़र में होती है कि मैं उसको देख रहा होता हूँ, क्योंकि माइंड को आपने मैसेज देना कि मैंने यहाँ पे बॉल फेंकना है, तो मैं भागते हुए उस टारगेट को देख रहा होता हूँ कि मैंने बॉल डिलीवर कहाँ करना है। और मोस्टली जो फोकस होना चाहिए वो यॉर्कर जो है वो यहाँ से जितना आप लेट रिलीज कर सकते हैं फ्रंट से वो बेटर होता है। यहाँ से जितना आप यहाँ से बॉल रिलीज कर देंगे वो बॉल पीछे गिर जाएगा। काफ़ी मैंने आउट किए हैं यॉर्कर्स पे, लेकिन दो ऐसी बोले हैं उन पे विकेट तो नहीं मिली थी, लेकिन वो मुझे बहुत पसंद है। एक चैंपियन ट्रॉफी में मैंने डेविड मिलर को किया था, वो गिर गए थे, अंपायर ने आउट दे दिया था बट उन्होंने रिव्यू ले लिया था। उसके बाद 2017 में मैंने डेविड वॉर्नर को किया था सिडनी में, वो भी गिर गए थे, तो रिवर्स भी हो रहा था अच्छा बॉल। तो आई थिंक यॉर्कर तो ऑलवेज आपको पता है एक ऐसा बॉल है कि अगर आप इसको अच्छी तरह एग्जीक्यूट कर सकते हैं तो ये आपके लिए विकेट टेकिंग बॉल भी हो सकता है, फिर जहां पे आपने डॉट बॉल क्रिएट करने होते हैं वो भी कर सकता है। भाई जबरदस्त मास्टर क्लास थी यहाँ पे विवेक भाई, अजय भाई, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। आज भाई देखिए डबल धमाका है, दूसरा जो मुकाबला है, दूसरे मुकाबले में शारजाह में दुबई कैपिटल्स ने टॉस जीता है और बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। हम ले रहे हैं जी आपसे इजाजत, अलविदा कहने वाले, आप उस मुकाबले का मजा लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, गुड बाय। लगे कुछ नहीं अब बस में उठने वाला है एक तूफान, जूतों के फीते लगे तसने, बूम, बेस्ट ऑफ द बेस्ट यू नो, विद द बेस्ट ऑफ द बेस्ट यू नो, लाइट्स ब्राइट जैसे हो रहा क्रिकेट फेस्टिवल, होने होने रे हल्ला हल्ला हल्ला।